हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल होम लॉजिका में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। इस बार मैं किसी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं बल्कि अपने ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं, समझ लीजिए, क्योंकि मैं ये वीडियो चैनल पार्टनर या मार्केटिंग पार्टनर के ऊपर बना रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने रिसेंटली रियलाइज़ किया कि मेरे कुछ क्लाइंट्स जिन्होंने मुझसे इंटरेक्शन किया या मेरे थ्रू प्रॉपर्टी ली है, उन्हें हमारे वर्किंग के बारे में इतना नहीं पता है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर भी हमें एजेंट्स के जैसा कमीशन देना पड़ेगा अपने चैनल पार्टनर मार्केटिंग पार्टनर को। इस वजह से वो झिझकते हैं या डील होने के बाद हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम अपने डिमांड्स उनके सामने रखेंगे। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। सो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इस टॉपिक को भी कवर करना चाहिए ताकि आप व्यूअर्स जो हमारा वीडियो देखते हैं वो हमारे बारे में और हमारी वर्किंग के बारे में जान सकें। सो होम लॉजिका कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड एक रेरा रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि चैनल पार्टनर या मार्केटिंग पार्टनर के रूप में बिल्डर्स के साथ या डेवलपर्स के साथ काम करते हैं। मार्केटिंग पार्टनर हम उस समय कह जाते हैं जब पर्टिकुलर डेवलपर के लिए हम मार्केटिंग का भी काम करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं, जिसमें से यूट्यूब भी एक मीडियम ही है। इसके अलावा चैनल पार्टनर हम तब कहे जाते हैं जब पर्टिकुलर बिल्डर के लिए हम मार्केटिंग तो नहीं कर रहे होते हैं, बट आप में से अगर कोई क्लाइंट मुझे अप्रोच करता और उसकी नीड वहाँ सेटिस्फाई हो रही है जिनके लिए हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए हम हो जाते हैं चैनल पार्टनर। हम वहाँ पर क्लाइंट सोर्स करते हैं, बट आप एज ए चैनल पार्टनर या मार्केटिंग पार्टनर किसी भी तरीके से हम आपके लिए काम करते हैं, आपको कोई भी फीस हमें पे नहीं करनी होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि एक मार्केटिंग पार्टनर से जब आप कंसल्ट करते हैं प्रॉपर्टी के लिए तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं मार्केटिंग पार्टनर के थ्रू प्रॉपर्टी सर्च करने में। सबसे पहला फ़ायदा, आपके टाइम की सेविंग। एज ए योर कंसल्टेंट अगर आप मुझे आपकी रिक्वायरमेंट बताते हैं जिसमें कि लोकेशन, प्रॉपर्टी के प्राइस या किस रेंज की प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं एंड कारपेट एरिया, ये तीन चार चीज़ें अगर आप मुझे कंफर्म कर देते हैं तो मैं पर्टिकुलर एरिया में आपके लिए वो प्रॉपर्टीज़ शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ और अकॉर्डिंगली हम 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ आपको एक बार में दिखा सकते हैं, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपको आपके चॉइस की प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो आपका बचता है टाइम यहाँ पर। दूसरा फ़ायदा होता है मनी सेविंग। नाउ मनी सेविंग कैसे होती है? एक तरह से तो आपने पैसे बचा लिए क्योंकि आपको कोई कंसल्टेंट चार्ज हमें नहीं पे करना पड़ा, ठीक है। दूसरे तरीके से क्या होता है कि आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप खुद होके जा रहे हैं सो सामने वाला सेल्स पर्सन आपको एक कोटेशन प्राइस देता है, आपको फाइनल प्राइसिंग, जब तक आप फाइनल उससे निगोशिएशन के लिए नहीं बैठते आपको आइडिया नहीं लग पाता। सो आप कई बार ढंग से कंपेयर नहीं कर पाते ए प्रॉपर्टी को बी प्रॉपर्टी से, बिकॉज आपको प्राइजेस तो पता ही नहीं होते एंड प्राइजेस क्या जाएंगे। हो सकता है मैं दो प्रॉपर्टी के लिए दो प्राइजेस बोलूं और दोनों अगर फाइनल प्राइजेस बोलूं तो हो सकता है बी वाली प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी हो, मान लीजिए 1,00,000 रुपये महंगी हो, बट आप बी प्रॉपर्टी को ही सेलेक्ट करें लेकिन आपको फाइनल प्राइजेस मालूम होने चाहिए। सो हम यहाँ पर आपकी निगोशिएशंस और टेंटेटिवली आपको एक फाइनल प्राइस में बताने में भी मदद करते हैं। तो आपका मनी यहाँ पर भी सेव होता है क्योंकि आप एक बेस्ट क्वालिटी की चीज़ बेस्ट प्राइस में ले पाते हैं। तीसरा फायदा, हमारी तरफ से दी जाने वाली सर्विसेज फ्री होती हैं, चाहे वो कंसल्टेंट की तरफ दी गई सर्विसेज हों या आपको दी जाने वाली कोई भी एडवाइस या पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, कुछ भी हमारी तरफ से जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी दोज विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपको इन सब चीज़ों के लिए बेफिक्र होकर के हमारे साथ आप विजिट कर सकते हैं। चौथा फायदा, आप हमारे थ्रू जब भी प्रॉपर्टी परचेज करने जाएंगे वो प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही होगी, बिकॉज हम भी रेरा रजिस्टर्ड हैं और हमारे साथ रेरा में जो हमने जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो यही होते हैं कि हम रेरा रजिस्टर्ड बिल्डर्स के साथ ही काम कर सकते। पांचवा फ़ायदा, हिडन फैक्ट्स अबाउट प्रॉपर्टी और लोकेशन, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देते हैं। एक बात समझने की है कि जो जब आप प्रॉपर्टी पे विजिट करते हैं तो जो सेल्स पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी आपको सेल करने की कोशिश कर रहा होता है, बट हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम जब आपको एज ए क्लाइंट कंसल्टेशन देते हैं तो हमारा मुद्दा सेल का नहीं होता है, बिकॉज देखिए आप मेरे साथ 5 से 6 प्रॉपर्टी देखेंगे, कहीं ना कहीं आप जाके परचेज करेंगे जो कि मेरे मार्केटिंग के बजट के लिए काउंट किया जाएगा, बट
उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे वो जो पर्टिकुलर सेल्स पर्सन है उसका तो सिर्फ उसके लिए एक ही प्रॉपर्टी ही पिच करने के लिए, तो वो आपको सेल करने की कोशिश करेगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, हम आपको जो भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे सबके प्लस और अगर उसके माइनस है तो उसके माइनस भी आपको अपडेट करते आते हैं प्रॉपर्टी विजिट के साथ साथ ही, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। और हम पूरा टाइम देते हैं कि जो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकें। छठवा जो सबसे जो चीज़ मैंने ऑलरेडी पांचवें पॉइंट में कवर अप कर ली है, हम प्रॉपर्टी सेल नहीं करते हैं, हम रेंटल्स में डील नहीं करते हैं, हम रीसेल में डील नहीं करते हैं। सो इसी वजह से हम कमीशन भी नहीं चार्ज करते हैं और हम आपको कभी पुश भी नहीं करते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप जल्द से जल्द ले लें। हाँ, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि क्या सिचुएशन है, करंट कितनी इन्वेंट्री चल रही है, प्राइजेस रिवाइज होने वाले हैं क्या, ये सारी जानकारी अगर हमें डेवलपर्स की तरफ से मिलती है तो हम सीधा आप तक पास कर देते हैं, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें और आपको प्रॉफिटेबल डील मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसी के साथ इसमें वीडियो को समाप्त करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि हम इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए ला सकें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।